वेलकम टू एमी क्रेजी डॉट कॉम। मेरा नाम है अमृत। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज मेरे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम एक ऐसा DIY बनाने जा रहे हैं जिसे लगाते ही आपके बालों में जान आ जाएगी। इस रेमेडी से आपके बाल तेजी से लंबे, घने, काले और मजबूत होंगे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से देख लेते हैं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत लगने वाली है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल। दोस्तों इस रेमेडी को यदि आप अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों में नेचुरल शाइन आएगी और आपके बाल रूखे बेजान नहीं लगेंगे। कोकोनट ऑयल आप सबको पता ही होगा कि हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा ये बेनिफिशियल है, साथ ही हमारे स्किन के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। कोकोनट ऑयल हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही साथ आपके बालों को शाइनी हेल्दी बनाता है। नारियल का तेल यदि आप अपने बालों पे लगाते हैं तो बाल आपके तेजी से तो बढ़ते ही हैं, साथ ही ये इतना ज्यादा फायदेमंद है कि आपके बालों से जुड़ी हर समस्या आपकी दूर होती है। नारियल के तेल में मौजूद फैटी एसिड्स एंटी डैंड्रफ एजेंट के रूप में काम करता है। नारियल का तेल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे कि आपके बाल तेजी से लंबे होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों नारियल का तेल जो है गंजेपन और सफेद बालों को रोकने में मदद करता है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए ज्यादा नहीं, केवल एक चम्मच नारियल का तेल हमें लेना है। इससे आपके बालों की जड़ मजबूत होती है और बालों की जड़ यदि मजबूत होती है तो अपने आप ही बालों का झड़ना बंद हो जाता है। अगला जो इंग्रेडिएंट हम इसमें लेंगे वो है ऑलिव ऑयल। यकीन माने दोस्तों ऑलिव ऑयल जो है आपके बालों को जादू की तरह बढ़ाता है। तो इस रेमेडी में आप ऑलिव ऑयल को जरूर यूज करें। ऑलिव ऑयल आपके बालों में मजबूती लाता है, आपके बालों में चमक लाता है, साथ ही डैंड्रफ को दूर करने में मदद करता है। साथ ही समय से पहले ही आपके बालों को सफेद होने नहीं देता। ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से डैंड्रफ की परेशानी भी दूर होती है। अगला जो इंग्रेडिएंट हम इसमें मिलाएंगे वो है विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई जो होता है दोस्तों आपके बालों के लिए एक फूड जैसे होता है। विटामिन ई कमजोर बालों को पोषक तत्व प्रदान करता है और साथ ही साथ बालों को हेल्दी भी बनाए रखता है। विटामिन ई में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए साथ ही साथ हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आपके बालों में ये नेचुरल शाइन लाने का काम करता है, साथ ही साथ आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करता है। साथ ही विटामिन ई आपके बालों के जड़ों को मजबूत करता है जिससे कि आपके बालों में मजबूती आती है। अब आखिरी में एक और इंग्रेडिएंट हम इसमें लाने वाले हैं जो कि आपके बालों के लिए वो किसी वरदान से कम नहीं है और वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों आपके बालों के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हमारी स्किन के लिए भी एलोवेरा जेल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। एलोवेरा जेल आपके बालों को कंडीशन करता है, साथ ही आपके बालों को शाइनी और हेल्दी बनाता है। तो केवल एक चम्मच जेल मैंने यहाँ पे लिया है, तो क्वांटिटी आपने देख ली है दोस्तों। सभी मैंने यहाँ पे नारियल का तेल है, ऑलिव ऑयल है, एलोवेरा जेल है, सभी को तीनों को मैंने एक एक चम्मच लिया है, साथ ही एक इसमें विटामिन ई की कैप्सूल मिलाई है और सभी चीजों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। अब जैसे हम इसे मिक्स करेंगे आप देखेंगे कि ये ऑयल नहीं रह जाएगा, अब ये क्रीम टेक्सचर ले लेगा, ये क्रीमी टेक्सचर में बन जाएगा। तो अब मैं आपको इसे अपने बालों पे अप्लाई करके भी बताती हूँ। आप चाहे तो अपने फिंगर टिप्स की मदद से अप्लाई करें या फिर आप कॉटन बॉल की मदद से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेमेडी मैंने आपके साथ में शेयर करी है दोस्तों। इसे लगाना बहुत ही आसान है और ये मैजिकल रेमेडी है जो कि आपके बालों में एक मैजिक की तरह काम करेगा। इसे अपने फिंगर टिप्स की मदद से अच्छी तरीके से मालिश करते हुए लगाएं। यकीन मानिए दोस्तों एटलीस्ट एक महीना इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे और मान लीजिए कि आपकी हेयर फॉल की समस्या भी सॉल्व हो गई। इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, साथ ही आपके बालों की जड़ मजबूत होंगे और न्यू हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाएंगे। और बस जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए एज इट इज आप वैसे ही इंग्रेडिएंट यूज करें, कोई और अल्टरनेटिव आप ना ले। बस आपके यदि बाल लंबे हैं तो आप एक एक चम्मच की जगह पे आप दो दो चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं और दो विटामिन ई की कैप्सूल ले लें। आपके बालों में आप इस रेमेडी को आधा घंटा जरूर लगे रहने दें। आधे घंटे बाद आप नॉर्मल जैसे शैम्पू करते हैं अपने बालों पर वैसे शैम्पू कर सकते हैं, कंडीशनर भी कर सकते हैं और इस मैजिकल रेमेडी को कम से कम महीने में दो बार आप जरूर लगाएं। दोस्तों मेरे कहने से रेमेडी को आप जरूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने आप लोगों के लिए खास एक स्टोर बनाया दोस्तों अमेजोन पे, यहाँ पे आपको बजट वाली चीजें जो है आपको वहाँ पे मिलेंगी। मैंने सेपरेट करके रखी है और आप लोगों के लिए खास सिलेक्ट करके रखी है मेरे स्टोर में, उसे चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, भारी डिस्काउंट में चीजों को परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।